बाबा के परम भक्त श्री उमादत्त शुक्ल थे। लखनऊ के हजरतगंज में उनकी दुकान थी। वे एक बार बाबा को अपने घर रिक्शे से ले जा रहे थे। जब रिक्शा गोमती पर बने लकड़ी के पुल से गुजरने लगा तो बाबा उनसे बोले, शुक्ला तुम एक दिन इसी पुल से गोमती में डूबने जा रहे थे ना, बताओ। श्री शुक्ला आश्चर्य में पड़ गए और इस प्रश्न का उत्तर देने में हिचक रहे थे। बाबा ने जब अपना प्रश्न तीन बार दोहराया तो वो बोले, हाँ बाबा, जब वो 16 साल के थे तो उस समय वो बाबा को जानते भी नहीं थे। वो गोमती में कूदकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से एक दिन रात को इस पुल पर आकर खड़े हो गए जहाँ गोमती बहुत गहरी थी। वो कूदने जा ही रहे थे कि अचानक आंधी आ गई और तेज प्रकाश छा गया। वो इस अलौकिक घटना से चकरा गए। उनके सारे शरीर में ऐसी कपकपी छा गई कि वो नदी में छलांग लगाने का साहस नहीं जुटा पाए और घर वापस आ गए। चले मरुत 49, वो प्रकाश भगवान का था, बाबा ने कहा। शुक्ला जी ने आत्महत्या के इरादे का क्या कारण बताया ये तो मालूम नहीं, किंतु 24 वर्ष पूर्व ही बाबा को पता चल गया था कि शुक्ला को उनकी शरण में आना है। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।